गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 8 मार्च 2023, टाइम 1:38 हो रहे हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को सबसे पहले हैप्पी होली विश करना चाहूंगा, उसके साथ शुरू करूंगा आज का दिन। ऑलरेडी हमारा लेबल डिसाइड हो चुका है दोस्तों, ये अपर लेबल है, ये लोअर लेबल है। अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है बैंक निफ्टी, तो डेफिनेट बेसिस में उस साइड का ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर एक बार बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। नीचे अगर देखेंगे, ये जो प्राइस लाइन मैंने ड्रॉ किया है 41,280, उसके आसपास मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार और लगातार चौथी बार सपोर्ट लेने आ गया है। यानी कि ये वाला जो एरिया है वो भी वीक हो चुका है। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ मूवमेंट होने की काफी ज्यादा संभावना है। पर यहां से अगर ऊपर जाता है तो ये ऊपर में जो बहुत ही हल्का वाला ट्रेंडलाइन दिख रहा है, थोड़ा सा मोटा कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वाला जो ट्रेंडलाइन दिख रहा है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये मैच खा जा रहा है। तो ये वाला लाइन को अगर अपर साइड में ब्रेक करता है तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम आने की पूरी पूरी संभावना है। तो वेट करते हैं, पर हमारा लेबल तो अलग अलग जगह पर है दोस्तों। वो लेबल अगर आता है तो डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट करता हूं, नहीं तो देखते हैं मार्केट क्या बिहेवियर करता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर क्रॉस करने की बहुत करीब है मार्केट, पर हमारा एंट्री यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं। हमारा एंट्री ये वाला लाइन, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होने के बाद ही होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं रेडी रहता हूँ, अगर वहाँ तक चला जाता तो इमीडिएटली बैंक निफ्टी सी बाय बटन में मैं क्लिक कर लूँगा। देखिए बहुत स्पीड से वो लाइन को ब्रेक करने के बाद मूवमेंट किया, जो मैं आपको बता रहा था। इधर नीचे की तरफ जाएगा, नहीं तो ऊपर की तरफ अगर जाता है एक बढ़िया लंबा मूवमेंट लेगा। और कब लेगा? जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। देखिए हमारा पर ट्रेंड लाइन पे हमारा ट्रेड तो नहीं था, हमारा ट्रेड डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद जो मूवमेंट आया है, वो मूवमेंट को आप देखिए दोस्तों, देखिए किस तरीके से प्राइस एक्शन बिहेव करता है। 376 पहुंच गया है दोस्तों, 378 जैसे ही हमारा मार्केट क्रॉस करेगा, या 380 जैसे ही क्रॉस करेगा, हम इमीडिएट बेसिस में एक ट्रेड ले लेंगे दोस्तों। देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये ट्रेड लग चुका है दोस्तों एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में। देखिए कभी कभी अलाइज ब्लू में क्या होता है, रिफ्रेश करने के बाद ही आपको ट्रेड दिखता है। देखो 144.10 के भाव में 41,400 के कॉल में हमने एंट्री किया है। पोजिशन टैब में चले जाएंगे दोस्तों इमीडिएट बेसिस में, यहाँ पे जो हमें मिल रहा है अभी 144.1 पे हमें एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट बटन दबा के मैं अपने रेडी रहता हूं दोस्तों। अगर यहां से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो 380 में अगर हमारा एंट्री हुआ है तो लाजमी है कि 280 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो हमने ऑलरेडी लगा के रखा है दोस्तों, ठीक है। तो वहां पे अगर हम देखेंगे 280 नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ये वाला लेबल है इसके ऊपर हमने 5 पॉइंट का बफर दिया है। 275 कर लेते हैं इसको दोस्तों, 275 जैसे ही आएगा हम अपना पोजीशन काट लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बफर देके 273 पे लगा के रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर रिटर्न आता है तो डेफिनेटली हम पोजीशन काट लेंगे, पर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ और मोमेंट देता है तो हमें अपना पहला और दूसरा टारगेट मिलेगा। पहला टारगेट कहाँ पे होगा दोस्तों? 375 पे हमने बाय किया था, तो 375.15 रहेगा हमारा पहला टारगेट, और उस हिसाब से दूसरा टारगेट बन जाएगा दोस्तों 575.15। देखिए ये दोनों टारगेट हम लगा के बैठे हैं, अगर ये वन वे मोमेंटम करके ऊपर की तरफ जाके ये टारगेट्स दे देता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा ये 40,000 हो गया है दोस्तों, इसको 41,000 करना पड़ेगा, इसीलिए नीचे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अभी जूम कर लेता हूँ दोस्तों, ये लेबल को हम वेट कर रहे हैं, इस लेबल की हमें तलाश थी। यहाँ पे वेट करते हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, हमें कौन से तरह का आउटकम आज के डेट में मिल रहा है। दोस्तों हमारा लेबल ब्रेक करने के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था और हाई मार्केट ने मारा था 41,431 का। पहला टारगेट हमारा 41,475 का बन के आ रहा है दोस्तों, जो कि मैं एग्जैक्टली और एक बार देख लेता हूं। देखिए 375.15 पे था तो 475 आ रहा है। तो ये अगर हमारे अगले दो कैंडल के अंदर ये लेबल हम टच कर जाते हैं तो एक अच्छा पॉइंट हम पहला कैप्चर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम दूसरा क्वांटिटी जो है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेंगे। अगर मार्केट वहां से घूम के वापस हमारे कॉस्ट पे आता है तो उसको काट लेंगे, अगर नहीं आता है तो दूसरे टारगेट का वेट करेंगे। देखिए 430 वापस से हो गया है, हमारा जो रिसेंट हाई मारा था मार्केट ने उसको फिर से ब्रेक कर चुका है। हम सेल बटन के ऊपर
हाथ लगा के बैठे हैं दोस्तों, जैसे ही 475 आएगा तो इसको इमीडिएट बेसिस में काट देना है। 440 चला गया है दोस्तों, 436, 440 अभी भी कंटिन्यूएशन पे है, 442 आ गया, 441, 442 इसी लेवल के आसपास घूम रहा है अभी। एक एक अच्छा सा स्पाइक भी दे सकता है मार्केट वहां पे। देखिए देखिए यहीं पे अभी 168 दिखा रहा था, इमीडिएटली 5 से 6 पॉइंट घट गया। देखिए ये होता है मोमेंटम जब रिड्यूस करता है उसका बैड इफेक्ट। देखिए यहाँ पे इमीडिएटली आप देख पा रहे हो उसी लेवल पे अभी 168, 167, 68 दिखा रहा था, उसी लेवल पे अभी आपको कम पॉइंट्स दिखा रहा है। दैट इज द डिफरेंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी भी वही 440 के लेवल के आसपास ही मंडरा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करते हैं, टारगेट हिट होता है तो आपको अपडेट करता हूं। दोस्तों मार्केट ने वापस से मोमेंटम पकड़ा है, थोड़ा सा एक मतलब वहां पे एक रिट्रेसमेंट दिया था, उसके बाद चला गया है ऊपर दोस्तों, 468 चला गया है, 468 का प्राइस चल रहा है, 463 आ गया है। बहुत अच्छा एक जो एक मोमेंटम दे रहा था, अभी देखिए थोड़ा सा वहां से नीचे आया है, 468 के वैल्यूएशन से नीचे आ गया है दोस्तों। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं वहां से, वहां तक फिर से वापस से थोड़ा जाए, 452 आ गया है, देखिए वहां से रिजेक्शन आ गया है दोस्तों, 475 के प्राइसिंग से। यहां से रेट दिखाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, वेट करते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ दिखे तो अच्छा लगेगा, वेट करते हैं। 175, 176 चल रहा है, 174 हो गया है दोस्तों, वेट करते हैं टारगेट का दोस्तों। और एक बार टच करने की कोशिश कर सकता है, हम वहीं पे खड़े हैं, 62, 63, 64, 67, 68 का हाई मारा था लास्ट टाइम दोस्तों, 61 वहीं पे ही दोस्तों हमारा टेस्ट ले रहा है मार्केट, 182, 183 पॉइंट्स, 188 चला गया है, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है दोस्तों, 469 आ गया है मार्केट, 72, जी हाँ यहाँ पे मैं काट दूंगा अपना पोजीशन दोस्तों, जी हाँ काट दिया है, 50% क्वांटिटी हमने निकाल दिया है, 185 के एवरेज भाव में हमने सेल किया, यानी कि 41 पॉइंट गेन किया यहाँ पे, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को हम मान के चलते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करेंगे। तो ये जो लाइन है अभी इसको फटाक से लेकर आ जाता है 275 पर, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट में हम अपना पोजिशन निकाल लेंगे, पर यहाँ से अगर मोमेंटम देके और ऊपर जाता है और 575 तक जाता है तो डेफिनेट बेसिस पे वहाँ पे हम अपना दूसरा क्वांटिटी निकालेंगे, पर यहाँ से रिवर्सल आया तो डेफिनेटली हम काट देंगे, दूसरा बार नहीं सोचेंगे उसके बारे में, वेट करते हैं दोस्तों। 50% क्वांटिटी हमने बुक किया है और 50% अगर कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट आ जाता है, यानी कि 375 के प्राइस के आसपास आ जाता है तो डेफिनेटली हम दूसरा भी काट लेंगे। तो इस कारण के वजह से मैं वीडियो को फिर से रिज्यूम किया दोस्तों, अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट वापस आ जाता है तो डेफिनेटली आपको मैं यहाँ पे ये पोजिशन काटता हुआ दिख जाऊंगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा प्राइस मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, इसीलिए वापस से मैं पोजिशन टैब में जाता हूँ। देखिए यहाँ पे कभी कभी ये तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो ये देखिए अभी 163, 164, 165 के आसपास है, तो दोस्तों मैं मान के चलूँगा यहाँ से अगर ये नीचे आ जाता है और 25 पॉइंट नीचे आ जाता है तो ये प्रीमियम हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा और वहाँ पे हम भी एग्जिट कर लेंगे। पर ये वापस से अगर मोमेंटम ऊपर की तरफ देता है तो वह मोमेंटम बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये इस जो ट्रेंड है, अब देखिए और एक प्राइस एक्शन पॉइंट आपको बताता हूँ, लर्निंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ, लोग थोड़ा लर्न करने के लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लर्न करिए। देखिए ये ट्रेंड की शुरुआत कहाँ से हुआ है, ये ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से हुआ है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक या आप मान के चलो यहाँ से भी हुआ ये ट्रेंड स्टार्टिंग, तो यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाओगे तो 50% तक भी ये नहीं आया, मतलब उसके अंदर अभी स्ट्रेंथ है कि ये ट्रेंड को ये कंटिन्यू कर सकता है। अगर 50% से नीचे आ जाएगा तो डेफिनेटली वो ट्रेंड कंटिन्यू करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वेट करते हैं उसी चीज का दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा प्रीवियस हाई जो मार्केट ने मारा था उसके ऊपर निकल चुका है, प्रीवियस हाई था 41,477 का और उसके ऊपर अभी मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। जो स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा था कि नीचे से ऊपर तक आया, उसके 50% नीचे तक नहीं गया है मार्केट, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। एक बार ये जो ट्रेंड जो है इसका 50% नीचे मार्केट आ गया तो वहां पे वो स्ट्रेंथ और नहीं बचता,
ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा दूसरा टारगेट तक जाएगा या नहीं जाएगा। वेट करते हैं उस चीज का दोस्तों। देखिए यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है मार्केट, यानी कि 40,475। अगर बोलेंगे एग्जैक्टली तो ये जो हाई मारा है 483 का, इसके ऊपर मतलब 41,500 एक कॉन्सोलिडेटिंग राउंड लेवल है, जहां से बायर्स और सेलर्स ने अपने बड़े बड़े पोजीशंस बना के रखे होंगे, इसीलिए 41,500 के लेवल को मार्केट को ब्रेक करने नहीं दे रहा है। तो एक बार अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंट आएगा और ये 575 पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेगा, तो उसी का वेट करते हैं। वो अगर वो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कॉस्ट पे आ जाता है तो काट लेंगे। दोस्तों देखिए प्रीवियस हाई अभी ब्रेक हो चुका है, ये वाला जो हाई लगा था यहाँ पे, अगर मैं बताऊँ एग्जैक्टली 41,488 का हाई लगा था, उसके ऊपर मार्केट जा चुका है, पर स्टिल द मेजर रेजिस्टेंस इज द कंप्लीट राउंड लेवल 41,500। उसके ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग चाहिए या उसके ऊपर एक अच्छा कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद एक मोमेंटम आ सकता है। नहीं तो अगर वन वे यहां से मोमेंटम आता है जो कि शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम होगा तो हमारा टारगेट तक जाता है तो भी ठीक है, नहीं तो देखिए अभी ऑलमोस्ट 200 के आसपास का प्रीमियम चल रहा था, थोड़ा सा रेड कैंडल के वजह से 190 के आसपास आ गया है। वेट करते हैं क्या रवैया मार्केट दिखाता है। दोस्तों देखिए एक टाइम पे एक अच्छा मोमेंटम दिया था, जो हाई लगाया था मार्केट ने 41,500 1.35, यानी कि जो राउंड लेवल है उससे जस्ट एक पॉइंट ऊपर जाके वहां से रिजेक्शन देखे। देखिए राउंड लेवल से किस तरह की मोमेंटम आता है, ये आप देखिए बहुत ब्राइट एग्जाम्पल है जहां पर राउंड लेवल पे आपको ट्रेड मिलता है। अगर राउंड लेवल की बात करोगे यहाँ पे, अगर आप 5 PM लेते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, देखिए कितना अच्छा आपको ट्रेड मिला है। 501 का हाई है, 488 का लो है, और अगर वहां पे आप ट्रेड लेते हो 13 पॉइंट के अगेंस्ट, ऑलरेडी जो पॉइंट आपको मिल रहा है, देखिए फटाफट मोमेंटम आया और आपको मिल गया कितना पॉइंट, ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 70-75 पॉइंट आपको मिल गए, यानी कि 13 पॉइंट के रिस्क रिवॉर्ड के अगेंस्ट आपको 1:6 मिल गया। देखिए इस तरह की स्कैल्पिंग ट्रेड आप 5 PM में भी कर सकते हो। देखो परफेक्ट पॉइंट था, यहाँ पे आपका राउंड लेवल है, राउंड लेवल रिजेक्शन मारा, रिजेक्शन मार के नीचे आया, 1:6 वाला ट्रेड था। देखिए कितना खतरनाक ट्रेड आपको बना और यहाँ पे आपको 1:6 देने के बाद ये रिवर्स कर गया। नो इश्यूज, रिवर्स की बात नहीं है, यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा स्कैल्पिंग कर सकते हो राउंड लेवल प्लस 5 PM, जिस 5 PM स्ट्रैटेजी को हम प्ले कर रहे थे काफी टाइम से, तो राउंड लेवल प्लस 5 PM में भी आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिलता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे नीचे आया, बायर्स ने एक्यूमुलेट मारा, एक्यूमुलेट मार के वो बायर्स ने खरीदारी की, खरीदारी मार के अभी ऊपर वापस से जा रहा है। लेट्स सी क्या आउटकम बन के आता है। तो आपको दोस्तों प्योर प्रीमियम डीके का इफेक्ट दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहां से यहां तक आने में कितने प्रीमियम डिके हो गए, 152 तक आ गया। दोस्तों एक टाइम में जब यहां पे मार्केट चल रहा था, यहां पे 160 का प्रीमियम चल रहा था, देखिए 2:14 के लो की बात कर रहा हूं, उस टाइम में 160-159 का प्रीमियम चल रहा था। अभी मार्केट उस लेवल के ऊपर चला हुआ है, पर अभी उससे 8-10 पॉइंट नीचे हम चल रहे हैं। तो अगर ये कॉस्ट पे आ जाता है, देखिए कॉस्ट पे आने में बहुत ज्यादा देर है नहीं, कॉस्ट पे आ जाता है तो डेफिनेटली हम पोजीशन काट लेंगे। देखिए हमारा कॉस्ट के प्राइस के आसपास आ गया है, देखिए मार्केट काफी ऊपर है, हमारे कॉस्ट प्राइस से ऑलमोस्ट 25-30 पॉइंट ऊपर है, पर हम वहां पे आ चुके हैं। दैट इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन ऑप्शन बाइंग। ये चीजें होता रहता है, जो रियलिटी आपको हर कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये रियलिटी हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझें कि ऑप्शन बाइंग होता क्या है, किस जगह पे करना चाहिए या किस जगह पे नहीं करना चाहिए। अब देखिए चार्ट दिखा रहा है कुछ और, प्रीमियम अभी 150 वापस से चला गया, यहाँ से रिजेक्शन दे दिया है, पर मुझे लगता है कि ये अभी मोमेंटम और नहीं पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंप्लीट यहाँ पे व्यू देख रहे हैं, वो थोड़ा सा मेरे को अभी साइडवेज की तरह दिख रहा है। मोमेंटम अगर नहीं पकड़ा, मैं चाहूंगा मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले जाए, क्योंकि जितना देर मैं मार्केट में रुकूंगा उतना ज़्यादा डीके रहेगा, मेरा प्रॉफिट से उतना ज़्यादा वाइपिंग आउट होना शुरू होगा, तो वो मैं आशा करता हूँ मार्केट से। पर मार्केट क्या करता है वो तो सुप्रीम है, वो जो करेगा उसी के फ्लो में हम आगे बढ़ेंगे। वेट करते हैं दोस्तों। देखिए हिल डुल के मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, 41,505, देखिए 552 आ गया है, 525, 560 आ गया है दोस्तों, और 564, 566, 566 आ गया है दोस्तों। देखो वहां से रिजेक्शन मार रहा है क्योंकि प्रीमियम डिके होता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा। देखिए देखिए कहां तक चला गया, देखिए यहां पे दोस्तों 566.90 तक चला गया, जो कि बहुत अच्छा वैल्यूएशन है।
वहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली हम इस पोजीशन को अच्छे प्रीमियम में काटेंगे दोस्तों, 571, 573 यहाँ पे मैं काट दूंगा। और यहाँ पे हमारा ये ट्रेड कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, जहाँ पे हमने 144 पे बाई किया तो एवरेज 208 पे बेचा, अभी ये 230 के आसपास चल रहा है, बहुत अच्छा प्रीमियम अभी चल रहा है, और 3224 रुपये इस ट्रेड में हमने कमाए। अगर हम इसको अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिए पहला लॉट हमने 185 में काटा, 185 में पहला लॉट काटा, दूसरा लॉट अपने 231 पे काटा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट हमने 200 पॉइंट के अगेंस्ट 87 पॉइंट हमने गेन किया, ठीक है। 87 पॉइंट हमने गेन किया का मतलब सीधा सीधा क्या है, आप समझ पा रहे हो? 87 पॉइंट हमने गेन किया मतलब हमने ये ट्रेड में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने जनरेट कर पाए, जो कि ऑलमोस्ट 3224 रुपए है। तो इसी के साथ आज की होली की जो जो रंगोली था, वो रंगोली हमारे लिए मार्केट ने ग्रीन कलर में लेके आया, वो सबसे बढ़िया पॉइंट था आज के डेट में। और इसी नोट के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।